हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं बना रही हूँ हालापीनोज। जो पिकल हालापीनोज हम मार्केट से खरीदते हैं, विच आर अप्रोक्स एक बॉटल होती है 250 रुपये के आसपास की। सो आज वो हम बनाएंगे घर पे। सो मैंने ली है, सॉरी, ये वाली मिर्चें। देखिए लंबी भी है, हल्की हल्की मोटी है। इनको धो के पोंछना है और मैंने गोल गोल इनको काट लिए। तो ये बहुत बारीक नहीं काटनी है, बहुत मोटे नहीं काटनी है, एकदम मीडियम साइज की, ताकि जब आप खाएं ना तो मुँह में टेस्ट आए। देखें कैसे बनती है। ओके, सो ये मैं ले रही हूँ 1 कप पानी। गैस स्विच ऑन कर देती हूँ। धीमी आंच पे रखेंगे हम इसे, और 1 कप विनेगर। तो जितना पानी उतना विनेगर। आई एम यूजिंग नॉर्मल वाइट विनेगर। आपको जो विनेगर जिस ब्रांड का जैसा भी पसंद हो वो आप ले लीजिए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्की सी चीनी, करीब 1 टीस्पून, और नमक। सो अब हमें इसे बहुत ज्यादा उबालना नहीं है, इस पानी को हल्का सा ही गरम करना है। मैंने यहाँ मिर्चे काट के रखी है, अगर आपने नहीं काटी है तो जब तक ये पानी हल्का सा स्टीम जैसे हो जाए तब तक आप ये काट सकते हैं। सो आई थिंक मैंने करीब 1 पाव मिर्च ली है, जिसमें से 2 खराब निकली और 2 मैंने चुरा ली गैस पे फेंकने के लिए, ताकि तंदूरी मिर्चे मैं बना सकूँ। तो मैं मिला रही हूँ ताकि जो चीनी और सॉल्ट है सब मिक्स हो जाए। वैसे ज़रूरत नहीं है, बस इसे हल्का सा गर्म करेंगे जब तक ये स्टीमिंग वाली पॉइंट पे ना आ जाए। सो ये देखिए साइज में जो है थोड़े बबल्स आ गए, मैंने स्विच ऑफ कर दी है गैस। आप चाहें तो इसमें गार्लिक भी मिला सकते हैं, सोया लीव्स जो आती है ना, सुवा भाजी जो बोलते हैं, वो भी मिला सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ्लेवरिंग देती है, एंड यू कैन मिक्स दिस। सो अब मैं ये करने वाली हूँ कि सॉरी, एंड यू कैन मिक्स दिस, ठीक है। तो गार्लिक, सुवा भाजी, दीज आर ऑप्शंस व्हिच यू कैन ऐड टू दिस, बट आई प्रेफर इट प्लेन हालापीनोज। अब ये जो है पानी, मैं इसे 5 से 7 मिनट ठंडा होने दूंगी। बिल्कुल गर्म नहीं रखेंगे हम, पर बिल्कुल भी ठंडा नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये नॉर्मल सा हो जाए उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सो ये 5-7 मिनट के बाद हल्का सा ठंडा हो गया। अब मैं इसमें मिला दूंगी, फिर भी मैंने गिरा दिया फनल लगाने के बाद। आई एम सो गुड एट दिस। सो ये देखिए, ये मिर्चों में हमारा विनेगर, पानी, शुगर एंड सॉल्ट। अब इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल आने देंगे, क्योंकि गरम गरम हम इसे बंद नहीं करेंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा मैं इस पे लिड लगाऊंगी और फ्रिज में रख दूंगी। सो आई थिंक 1-2 दिन के अंदर, 24 आवर्स में ये रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो देखिए बन गए हमारे बढ़िया से हालापीनोज। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।